एवरीबॉडी कैसे हैं आप लोग। अभी मैं उठा हूँ, 9 बजे हैं सुबह की 5:30। तो मेरे को चाय भी आएगी, चाय पी के चलते हैं आगे भी काम करते हैं। तब तक आप देखिएगा। तो यहाँ पे मैं हाथ मुंह धो लेता हूँ और फिर चलते हैं हम काउ शेड की ओर। तो आज आपको बता रहा हूँ मैं पहाड़ी जो हमारे गांव का रूटीन वर्क है, मॉर्निंग रूटीन वर्क, हिमाचली मॉर्निंग रूटीन वर्क, तो ये है। तो अभी हम सुबह ही जा रहे हैं काउशेड, और चलिए आप लोग भी। तो ये देखिए अभी कितना अंधेरा है और हम जा रहे हैं काउशेड। तो चलिए भी आप लोग भी। तो अंधेरे में जो है वो कैमरे में भी साफ नहीं आ रहा था, इतना अंधेरा था अभी। तो सुबह सुबह ही जो है वो देखते हमारे को जाना पड़ता है काउशेड। तो यहाँ सबसे पहले जो है वो जैसे रात भर का गोबर होता है तो उसको पहले जो है वो उठा लेते हैं, मतलब पशुओं के नीचे जो है वो पहले सफाई कर ली जाती है, फिर उसके बाद जो है वो काउ मिल्किंग की जाती है। तो अभी काउ मिल्किंग भी आप लोगों को दिखाई है, क्योंकि बहुत बार अब नाम नहीं उनका पता कि रिक्वेस्ट तो आई थी कि भाई काउ मिल्किंग भी बताओ बाई हैंड। तो हमारे यहाँ पहाड़ी इलाके में वैसे ज़्यादातर जो है वो काउ मिल्किंग जब भी की जाती है या बफेलो मिल्किंग की जाती है तो बाई हैंड ही की जाती है ज़्यादातर। और ये देखिए आगे हमने बट्ठल में जो है इसको खाने के लिए चारा दिया है। थोड़ा सा ये बने होते हैं ना, हमारे यहाँ दिखाया मैंने, वो दवाई एक किस्म से वो कहते हैं जो तारामीरा होता है ना, उसकी भी ज़रूरत नहीं होती है। अगर बने के पत्ते जो है वो खिलाया जाए या सुखा के या जैसे भी, मतलब अच्छे से खा ले पशु, तो उनको जो है वो फिर तारामीरे की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये बट्ठल हमने रख दिया है गाय के मुंह के पास और अब हम जो है वो काउ मिल्किंग कर रहे हैं। Thank you.
तो ये अब हम जो काऊ शेड से निकल गए हैं बाहर, हमने काऊ मिल्किंग कर ली है। अब देखिए कितना उजाला हो चुका है, तो काफ़ी अंधेरा था पहले और काफ़ी टाइम लगता है वैसे काऊ शेड में काम करते हुए। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे काफ़ी जो है उजाला हो चुका है, काफ़ी सवेरा हो चुका है और अब हम हो रहे हैं वापस घर की ओर। परदेसा बसिया सजना कला करा।
सभी कैसे हैं? तो अब हम सुबह ही आग सेक रहे हैं, ठंड होती है सुबह सुबह पर। काउ शेर गया था तू? नहीं। क्यों नहीं गया था? मैं नहीं जाता, नहीं मेरे को काम होता है पढ़ने का। क्या पढ़ने का काम है? साइंस का था, साइंस का काम था और हिंदी का काम था, ड्राइंग का काम था, वो किया मैंने। तो ये किस चीज की? ड्राइंग की। ड्राइंगी बोला मैं। पढ़ रहा है तो देखिए कैसे ये भी आ गई। अब बुआ जी आपका शेर क्यों नहीं गया? बाबड़ी जी और एक और सदस्य फिर से आ गया है, तो ये कौन है? और अब ये भी आ गया, भावना भी आ गई, और अब रह गया ही मांझू। वो चौचे लास्ट में उठेगा ना? मैं उठी थी ना, ना हिमांशु बोल रहा हूँ मैं। हिमांशु उठा है, पढ़ने कर रहा है। तो बस इसके बाद जो है वो चाय बनेगी और फिर अगले खाने की तैयारी होगी और बच्चे स्कूल के लिए जाएंगे।